तो भाई कैसे हो आप सब? क्या घड़ी है भाई, अपनी रेड डेविल आज। भाई एक तो मौसम भी ऐसे चेंज हो रहा है, मुबारक हो, सर्दियां भी आने वाली हैं। तो बात कर रहा था यार मौसम के बारे में, मौसम काफी चेंज हो गया पहले से, तो उतनी ज्यादा गर्मी रही नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल JNR Vlogs। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ जहाँ से होंगे जैसे होंगे एकदम सेफ होंगे। अगर कॉलेज की अपडेट दूँ तो सुना है कि मेरे कॉलेज वगैरह जो है वो स्टार्ट होने वाले, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कब होंगे। अगर कॉलेज लग जाते ना, कॉलेज का एक फायदा होता है कि यार तुम्हें डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मतलब रोज के। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था ना नया नया, तो मैंने क्या करता था, रेगुलर व्लॉग्स जो थे अपलोड करता था, क्योंकि भाई मैं रोज कॉलेज जाता था। आज यार इतनी जल्दी नहीं है, मतलब एकदम आराम से मस्त होके चल रहे हैं भाई, मौसम के मजे लेते लेते आराम से। बट पता क्या होता है यार, ऐसे में घर पे बैठ बैठ के भी ना इंसान बीमार पड़ जाता है यार। तो ना थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे शाम को, या अगर तुम शाम को नहीं निकल सकते सुबह आ जाओ। और भाई 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 भैया जी ने ना हॉर्न दिया ना कुछ, एकदम अचानक प्रकट हो गए। अभी जाना है यार हमें यहाँ से ऊपर। अगर तुम में से ना कोई भी चाहता कि वो मोटो ब्लॉग करे, अच्छा ब्लॉगर बने, कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, में तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा एंड उसकी फी भी दूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा एंड अरे यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अपना वो कजन ठीक है जो बीमार था, और देखो बीमार की हालत देख रहे हो, मस्त आराम से बैठ के कमरे में, और कमरे की हालत देख रहे हो इसकी, मतलब क्या करना क्या चाहता है तू लाइफ में, कुछ सोचा है तूने? ये गया ना जिम, डाल के चक्कर में इसने ज्यादा वेट मार दिया। चक्कर में क्या हुआ इसको, थोड़ा ना समर में ना इसको काफी दर्द हो गया। अब बेचारा बैठा हुआ बैठ रहे, मुझे लगा बीमार है ज्यादा, बोल तो रहा था भाई अब क्या पता। तो मेरे को ना इस पे हंसी आई यार, ठीक है आप भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर रहा, डाल के चक्कर में ना ज्यादा वेट नहीं उठाना जिम में। तो अभी मेरे को बख्शी नगर में भी एक काम है, वहाँ पे भी मेरे को जाना है शाम को। एक चीज मैं देख रहा हूँ पता है, या तो ऐसा हो गया कि पढ़ने वाले इसको ज्यादा ही हो गए, या ऐसा हो गया कि हर बंदा जो है इंडिपेंडेंट होना चाहता है। सिंपल सा उन्होंने बिजनेस ओपन किया हुआ पता है हर बंदे ने। अगर तुम्हारे पास एक जगह डेस्क वगैरह लगा दो, एंड डेस्क वगैरह लगाने के बाद एक बड़ा सा बैनर लगा लो लाइब्रेरी का, और तुम्हें पता है एक तो तुम्हारा बिजनेस क्या खतरनाक वाला चलेगा, पढ़ने वालों की भी कमी नहीं रहेगी, वो भी आगे पढ़ने लग जाएंगे। भाई मैं हर जगह यही देख रहा हूँ भाई, हर एक गली छोड़ के ना एक लाइब्रेरी है भाई। एक सीन होता है मेरे साथ जब भी मैं यहाँ बठिंडी आता हूँ, जाने वाला रास्ता तो यहीं से है ठीक है, जैसे मैं तेज कभी जा रहा होता ना तो ये मेरे को खड्डा मिल जाता है यहाँ पे, तो फिर अचानक क्या होता है कभी कभी तो मतलब निकल ही जाती है डायरेक्ट, एंड कभी कभी कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट जैसे हो जाता है। भाई तुम्हें ना आज मैं अपनी एक फेवरेट स्पॉट पे ले चलता हूँ ठीक है, तुम्हें अक्सर यार यहाँ पे आया करता हूँ सर्दियों के टाइम में शाम को, क्योंकि ना यहाँ से सनसेट जो है ना बड़ा ही खतरनाक दिखता है यार, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें। सो ये देख रहे हो ना मतलब नीचे पूरी जहाँ तक नजर जा रही है ऐसे एक स्ट्रेट सड़क है, सामने वाला घर है ना बिल्कुल सामने वाला जो उसके एंड पे है, तो वहाँ से ना सूरज हल्का हल्का ऐसे नीचे आता है यार, इतना खतरनाक दिखता है ना भाई, इतना खतरनाक दिखता है क्या बताऊँ तुम्हें यार। यहाँ से तो ब्लॉक है यार, मेरे को जाना था आगे, देख ही सकते हो आगे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, अपने को मुड़ना पड़ेगा यहाँ से। ये वाली जगह ऐसे लगती नहीं है जैसे जम्मू ऐसे ना, और ये वाली जगह पड़ती है बठिंडी में, ऐसा लगता है यार कहीं मतलब बाहर आए किसी स्टेट में। भैया अभी जाते हैं सीधा घर, अभी फोन आया कजन का कि भैया आओ जल्दी ऑनलाइन आओ, रूम पड़ा हुआ खाली, एक एक गेम लगाते हैं। तो मैंने बोला भाई किसका इंतजार कर रहे हो भाई, फटाफट निकलते हैं यहाँ से घर एंड फिर खेलते हैं जरा सी BGMI, उसके बाद हो सकता है कि मैं भी मैं बख्शी नगर जाऊँ, दीदी को लेके जाना मैंने साथ में, देखेंगे अगर हो सका व्लॉग तो व्लॉग कर लेंगे। भैया यहाँ से करते हैं इंजन ऑफ, क्योंकि भैया तेल जो है ना तेल है बहुत महंगा, मेरे घर तक तो पूरा ऐसे न्यूट्रल ही है, बट मेरे साथ ना कई बार ऐसे सीन हो जाता है के बाद जब मुझे वापस से अपना इंजन ऑन करना होता है तो रेड डबल जो है ना वो सेल्फी नहीं पकड़ती। पिछले दिन तो यार इसने मुझे इतना मतलब खजल किया ना यार, मतलब कहीं ऐसी जगह थी यार जहाँ पे किक भी नहीं लग रही थी इसको, ऊपर फिर मेरे को बैटरी इंडिकेशन भी आ गया, ऊपर से वहाँ पे लड़कियाँ भी खड़ी थी, तो भाई समझ रहे हो फिर तुम, भाई देखते हैं कहाँ तक जाती है ऐसे न्यूट्रन। तो मैंने बाइक पे ट्राई किया था, बाइक पे तो सीधा मेरे घर तक ही चली जाती है न्यूट्रन, यू नो स्कूटी है ना, स्कूटी के टायर एक छोटे होते हैं एंड इतना ज़्यादा जो है वो मोमेंटम नहीं पकड़ पाती स्कूटी, बाइक का एकदम ऐसे क्लच पकड़ लो ना बाइक सीधी आगे ना यहाँ पे लग जाती। A few moments later. जस्ट अभी पहुंचे यहाँ सुजमा मोड़, अभी सनसेट भी हो रहा है, इतना प्यारा लग रहा है सनसेट, कितना प्यारा दिख रहा है भाई। जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी मैं जा रहा हूँ बख्शी नगर, एक्चुअली हॉस्पिटल में जाना है क्योंकि मेरी मामी है ना, मामी के जो बड़े भाई है ना वो छत से गिर गए, अभी ICU में वो, उन्हीं का पता करने जा रहे। मौसम देख रहे हो यार कितना प्यारा मौसम हो गया, वैसे ठंड जैसी फील हो रही है बट मजा काफी आ रहा है। मेरे साथ है मेरी दीदी और उनको मैंने हेलमेट नहीं डाली हुई अभी, अब पता नहीं चलान ना हो जाए कहीं, अभी आजकल डबल हेलमेट की काफी चलान हो रहे ना, तो मैं भी सोच रहा था अभी कि मैं एक और हेलमेट ले लूँ लड़कियों वाली, क्योंकि दूसरी हेलमेट जो है वो लड़कों वाली है, बट अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा मेरे साथ कोई लड़का ही आए, तो मैं ब्लॉग में वो वाली एनर्जी नहीं देखने को मिल रही होगी, तो पहले मैं बोलता था जोर जोर से, जब साथ पे कोई होता ना फिर तुम्हें मतलब वो तुम्हारा एक्सेंट नहीं रहता वैसा एक को, समझ रहे हो ना। तो अगर तुम शाम को राइड करते हो ना ये भी एक थेरेपी का काम करती है भाई, तो माइंड में अगर कितना भी स्ट्रेस होता ना तो एक शाम की राइड से ना वो सब स्ट्रेस फ्री हो जाता है, कभी कभी राइड जो होती है ना एक मेडिसिन का काम करती है।
अभी ना सच में यहाँ पे ठंड फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे साइड में पेड़ है ना, तुम्हें पता है जहाँ पे ज्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पे हवाएं जो होती हैं काफी ठंडी होती है। अभी देखना यार, गुजर नगर पुल है ना पूरा भरा होता है लोगों से शाम के टाइम, तो लोग क्या करते हैं शाम को आते हैं यहाँ पे वॉक वगैरह करने भी, मतलब यहाँ की वाइब भी अलग है यार गुजर नगर की, मतलब समझ रहे हो तुम। इतने सारे लोग मतलब तुम्हें सुबह और शाम को दिखेंगे यहाँ पे, कुछ वॉक करने आते हैं, कुछ वाइब को एंजॉय करने आते हैं, फ्रेंड लोगों के साथ यहाँ पे खड़े रहो फिर तो मतलब ये मोमेंट को चार चांद लग गए ना। और सबसे गंदे वाला नाका भी यहीं पे लगता है, क्योंकि पुल पे है भाई, तुम्हें भागने की कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। अभी तुम्हें पता है एक जगह और है जहाँ का व्यू ना एकदम ऐसे खतरनाक जैसा आता है, पता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सीधा वही, ठीक है। यहाँ का जो व्यू है ना, मतलब इसकी बात ही अलग है यार। इस व्यू की मैं बात कर रहा था, जब थोड़ी ऐसा धूप जैसा वाला मौसम होता ना, तब मतलब एकदम इतना मतलब प्यारा दिखता ना यार, क्या बताऊँ। अभी अगर तुमने मेरे पीछे वाले व्लॉग देखे होंगे ना, तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। किस किस को याद है कि यहाँ पे क्या हुआ था, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एकदम गलत ही सीन हो गया था भाई उस दिन यार, जूस वगैरह लेना है एंड देन उसके बाद जाएंगे अंदर। जैसे कोई साथ होना फिर थोड़ा व्लॉग करना ऐसे डिफिकल्ट जैसा हो जाता है भाई, एक तो बोलना भी नहीं होता और ऊपर से ऐसे थोड़ी शर्म जैसी आती है ना, मतलब तुम खुल के नहीं बोल सकते, समझ रहे हो ना। अभी देखते हैं भाई क्या सीन रहने वाला है, फिर कब तक फ्री होते हैं एंड देखता हूँ फिर मैं वापसी के टाइम पे व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ। हैंडल लॉक है ना। A few moments later. इतना काम हो गया एकदम खत्म, अभी जस्ट निकले हैं यहाँ बख्शी नगर से, पता मुझे बोलने को ही नहीं हो रहा शर्म जैसी आ रही है, साथ बैठे ना ऐसी शर्म जैसी आ रही है, जोर से तो बोल रहा हूँ पर होता है थोड़ा थोड़ा। कभी आपको साथ बैठ के व्लॉग नहीं ना बना, सो आई डोंट नो कि तुम्हें रात को कितना क्लियर देखने को मिल रहा होगा। अगर तुम्हें दिख रहा ना, ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना जो दिख रहा आगे, अभी एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वो मैं सोच रहा था कि एक व्लॉग बनाऊं, ठीक है, नाइट आउट पे रात को, मतलब कैसा दिखता है जम्मू, मैंने सोचा तो है बट अभी अपने दोस्त लोग दिए ना यहाँ पे, प्लानिंग तो है, आप देखते हैं फिर क्या सीन रहने वाला। रात में चलाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा हो जाता है, देखो देखो देखो, मतलब कहीं से भी घुसे जा रहे, यही सीन रहता है भाई रात का सिटीज वगैरह में चलाने का, मतलब सबको इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि मतलब देखते ही नहीं। आज के टाइम पे गुजर नगर पुल कैसा दिखता है, मतलब अभी इतने सारे लोग हैं ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, सब भी अपनी अपनी गाड़ियाँ रोक के रखी हैं साइड पे, मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवा का फील ले रहे हैं। रात को सब अपनी लाइट्स वगैरह अपनी ऑन रखी हुई है, तो गाड़ियाँ एकदम ऐसे क्रॉस करके जा रही है और तुम देख रहे हो कितना खूबसूरत सा दिखता है ऐसे, जिस तो देख रहे हो कितना सही लगता है ना, मतलब ऐसे देखने में। ठीक है, ये पता है कौन है यार, ये अपना वही वाला बंदा है, वो छोड़ता नहीं है कुछ भी। तो अभी देखो मैंने हेलमेट जैसे नीचे रखी, इसने भी हेलमेट लगा ली सीधी सीधी। सर आपके साथ हुआ क्या था जिम में? सर जनता जानना चाहती है। प्राइवेट स्पेस नहीं, क्या कर रहा था बता ना।